सलाम इंडिया, आप देख रहे हैं गाइड न्यूज़, आपका स्वागत है, मैं हनीफ शेख। आज हम बात करेंगे फिर मुंब्रा में ट्रैफिक। ट्रैफिक के मसले इतने जबरदस्त है मुंब्रा के अंदर कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है सब में ज्यादा ट्रैफिक होती है। हम उस एरिया में खड़े हैं, ये कादर पैलेस का एरिया है और यहाँ पर पीछे मेरे आप देख सकते हैं कि जामा मस्जिद है। ये एरिया जो है हमेशा कंजेस्टेड में रहा है। आज हम इसके बारे में आपको दिखा रहे हैं कि अब ये जो है ये डिवाइडर डाला जा रहा है, अभी देखना ये है कि ये कितने दिन तक के सुरक्षित रहता है। ट्रैफिक की जो समस्या है यहाँ पर, पार्किंग जो पार्किंग हो रही, अवैध पार्किंग और मोटरसाइकिल और रिक्शा किधर भी खड़ा करके लोग जाते हैं, उनको सबसे बड़ी समस्या वो है। वो समस्या के लिए इब्राहिम भाई को मैं, ये हमारा नगर सेवक है, उनको बोला है। वो भी करते बेचारे, रात दिन करते, तो हमको उनसे यही शिकायत है कि पार्किंग जो है मस्जिद से लेके पेट्रोल से लेके अमृत नगर तक, जो लोगों को सेवा देना मांगता है तो लोग पार्किंग करते, वो पार्किंग की वजह से आज रस्सी लगा है, बहुत अच्छी बात है। जगह जगह पे टन है, वो टन बंद करने का जरूरी काम है। मैं पुलिस पाटिल है मुंब्रा कौसा का। ट्रैफिक के कर्मचारी यहाँ पे ड्यूटी नहीं दे रहे, उसके लिए क्या कहो? ट्रैफिक के कर्मचारी ड्यूटी करते मगर कैसा मालूम क्या, अपने पास कर्मचारी संख्या कम है। मैं पुलिस पाटिल इसके लिए बोल रहा हूँ, उनके खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मगर उनके पास ज्यादातर लोग मुंब्रा बाईपास टोल नाके पे रेती बंदर पे ही नजर आते हैं। बस बराबर बोले आप। हाँ। इधर कम नजर आते हैं। हाँ। ये बात आपकी बराबर है क्या है, मगर बोलने का मतलब आप जो बोल रहे हैं वो सही बात है, मगर बोलने का मतलब ऐसा है कि उनको इधर ड्यूटी करना मांगता है। एक से दो ट्रैफिक वाले हमारे पास रहते, पार्किंग कहीं कहीं तो तीन तीन गाड़ी एक के पीछे एक लगी रहती है, तो इसके ऊपर जो स्ट्रिक्ट एक्शन लेके गाड़ियों को जो यहाँ से सबसे पहले हटाए, यहाँ से लेके आप मुंब्रा तक जाएंगे तो देखो सिर्फ आपको ये ट्रैफिक की पार्किंग, इन लोगों ने कितना 20% 25% रोड तो ये पार्किंग में ही घेरा हुआ है। अगर ये भी यहाँ से हटता है तो इसके हमारी 20-25% ट्रैफिक का मसला हमारा हल सॉल्व हो जाएगा। और ये डिवाइडर का मसला है, ये रोड अगर पूरा कंप्लीट दोनों तरफ से हो जाता है कॉन्क्रीट फील होने के बाद में, सेंट्रलाइज डिवाइडर बन जाएगा इंशाल्लाह। ट्रैफिक की ट्रैफिक का जो मसला है ये हल हो सकता है, लेकिन इसमें जो है ट्रैफिक विभाग को भी समझ के लेना पड़ेगा। और जो जनता जो यहाँ पर जो पब्लिक है, जो यहाँ के जो ड्राइवर जैसा कि यहाँ पर जो गाड़ियाँ चलती है, ये लोग भी अपने आप को संभल के अगर एक साथ में गाइडलाइन जैसा रूल्स है उस तरीके से अगर चले हम लोग तो ट्रैफिक के मसले हल हो जाएंगे। क्योंकि हम हमेशा आगे बढ़ने की सोचते हैं और डबल लाइन ट्रिपल लाइन में चलते हैं, ऐसा ना करें। हम हमेशा जो है लोगों से यही करते हैं कि जो लोग हैं डबल लाइन ट्रिपल लाइन से जो है ना चले, रॉन्ग साइड से गाड़ी मत मारे। हम सोचते हैं कि लाइन से लोग चले तो शायद ये ट्रैफिक का जो मसला जो है हल हो जाएगा। इसी तरीके की वीडियो हम आपके सामने लाते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जय हिंद।